दूर से गुहार लगा रहे हैं। देखिए उस छत पे लोग हैं, इशारा कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं अभी तक पहुंच रहा है दोस्तों इन सबको बचाने के लिए। एक बड़ा सा बांध हुआ करता था, एक रास्ता हुआ करता था, वो भी चला गया है दोस्तों, और यही पुल भी जाने वाला है। बढ़ा मिथिला क्षेत्र की ओर बढ़ा, देखिए लोगों का भीड़ कितना लग गया है। यहाँ लोग देखने के लिए आए हैं, यहाँ लोग देखने के लिए आए हैं, और ये रास्ता हुआ करता था दोस्तों, आज रास्ता नदी में बदल गया। कोशी ने अपना नदी, और बताया जाता है कि जब 87 का बाढ़ आया था तब जाकर ये जो बांध है वो टूटा था, और 87 के बाद, सोचिए 87 के बाद अब जाकर ये बांध टूटा है। 87 में टूटा था, आपकी एज भी नहीं, 87 टूटा था ना वहाँ पर, 68 में टूटा था, 87 में टूटा था, 24 में टूटा है। बताइए दोस्तों, लगातार बांध टूट रहा है, रात में ऐसा बांध टूटा, न डीएम साहब रोक पाए, न डीएसपी साहब रोक पाए, सभी अपना हाथ खड़ा कर दिए। आज देखिए मंजर दिख रहा है आपको, ये रास्ता जो है नदी में बदल गया, दूर तक जूम करके आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों लोग राहत होगा, बच्चे का क्या हाल हो गया है, और इस साइड दिखाएंगे थोड़ा दूर से, देखिए इस साइड एक गांव है जिधर आदमी फंसा हुआ है दोस्तों, इसी रास्ता होकर जाते थे, और ये पीपल का पेड़ भी जाने ही वाला लग रहा है, और इधर कुछ वृक्ष थे वो भी चले गए, चला गया। सारा देखिए नदी में बदल गया है दोस्तों, और कोशी एक नया रास्ता बना ली है और मिथिलांचल की ओर बढ़ गई है। देखिए काफी लोग देख रहे हैं, लाइव वीडियो से जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियो को में जाएगा दोस्तों। ये देखिए ये खतरा की घंटी जो दिख रही है आपको, ये कोशी नदी जो दिख रही है, जो कोशी बैराज से पानी छूटा था, ये देखिए पीपल का पेड़ भी कुछ दे रहा है, हट जाइए वहां से, पीपल का पेड़ जाने वाला है। देखिए कटान शुरू है दोस्तों, लगातार शुरू है। आप लोग @ लगाकर नीतीश कुमार लिखिए, आप लोग @ लगाकर नरेंद्र मोदी लिखिए, आप जो @ लगाकर दरभंगा DM लिखिए, ताकि यहाँ के लोगों को मदद मिल सके। काफी लोग उधर फंसे हुए हैं दोस्तों, और लहर देखिए कितना तेज लहर जा रहा है, और वहाँ पानी टकरा रहा है, उधर भी कटान हो रहा है ना, और भांस गया सबका मकान मकान सबका लेकर के डूब गया है, सब चला गया, सब तो गिर गया है, इसीलिए के लाव भेजिए, आदमी वहाँ छटपटा के मर रहा है पानी में डूब करके। देखिए दरभंगा जिला का कीरतपुर प्रखंड का भूगोल चौक है ना, भूगोल चौक है, भूगोल में बांध टूट गया है दोस्तों, ये इस खबर को वहाँ तक पहुँचाइए ताकि लोगों को मदद, टूट गया है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूरी है, 4 किलो से भी ज्यादा टूटा हुआ, ये सारा रोड था, पूरा रोड है दोस्तों, 4 किलोमीटर टूट गया है। जितने भी लोग हैं जमालपुर के, बिरौल के, जितने भी बेनीपुर साइड के लोग हैं, दरभंगा जिला के लोग हैं, आप सतर्क हो जाइए, अगर निचले इलाके में हैं तो आप ऊंचे जगह पर चले जाइए। हम जो कटान हो गया है, और यहाँ बताया जाता है जितनी दूर तक नजर जाएगी आपकी, लगातार कटान हुआ है, और लगभग 4 किलोमीटर तक कटान हो गया है। लोग बता रहे हैं यहाँ के, आप यहीं के हैं, यहाँ आए हैं, कैसे खबर मिला, सूचना मिला जो बांध टूट गया है, मेरा कर कुटुम्ब है, 2 महीने है, देखने आ गए, देखने के लिए, उसका घर एकदम पूरा डूब रहा है, लाओ ने काफी क्षति हुई है दोस्तों, काफी क्षति हुई है, सारे घरे फंसे हैं यहाँ से, टोटल घर टोटल चला गया, टोटल मकान तक तोड़ फटा, दवाई की दुकान था, फलना था, तिलना था, मशीन था, सब एक ही में बच गया। देखिए दोस्तों सारा चीज चला गया, अभी तक एक भी बोट नहीं दिया, अच्छा SDRF की टीम, NDRF की टीम, देखिए किस तरह कटान शुरू है, NDRF की टीम कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं अभी, तो देखिए दोस्तों दरभंगा जिला का ये हाल है, जहां गरीबों को मदद नहीं मिल रही है, एक पैसा नहीं, गांव में कुछ, और देखिए काफी लोग यहां आए हैं, और काफी लोग यहां देखिए भीड़ लगाए खड़े हैं, और इस भयावह तस्वीर को देख रहे हैं, इस डरावनी तस्वीर को देख रहे हैं, पूरा जड़ खाली हो गया है दोस्तों, एक गांव ये भस गया, पूरा गांव ही चल गया, पूरे गांव ये भस गया, 4-5 गांव भस गया, सही लगान में नरकटिया जमालपुर जक्कू तक भस गया, सब मतलब यहां का भूगोल पूरे गांव का गांव है, इंसाफ 24 लाइव, देखिए जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, इस वीडियो को वहां तक जल्दी पहुंचाइए ताकि लोगों को मदद मिल सके। एक गांव पूरा फंस गया, यहां के लोग बता रहे हैं, यहां के लोग बता रहे हैं कि काफी लोग फंसे हुए, काफी लोग छत पर हैं, और देखिए इस स्पीड को देख लीजिए पानी के, यानी सारा पानी कोशी बैराज से जो छूटा वो यहाँ बांध तोड़ कर दरभंगा की ओर रुख कर लिया, और यही जो है नारबान हो गया, बागमती हो गया, सारे में यही पानी जाएगा और तबाही बरपेगा, कई घर को तोड़ेगा। देखिए काफी लोग जुड़े हुए हैं लाइव से, लाइव तस्वीर को जरूर शेयर करते रहिए दोस्तों, और देखिए भीड़ दिखाएंगे, लगातार कटान बढ़े, देखिए ये भी कट गया पूरा,
इधर से भी पानी जाने लगा क्या? हाँ हाँ ये पेड़ जाने वाला है। इधर से भी जाने लगा? हाँ इधर भी जाने लगा। बताइए दोस्तों, पेड़ गिरने वाला है दोस्तों। देखिए इस पेड़, देखिए दोस्तों लाइव कट रहा है बार बार, नेटवर्क इशू है क्योंकि कोहरा लगा हुआ है। जिधर जिधर नजर जाएगी पानी का भाव बनकर उड़ रहा है, स्पीड देख लीजिए पानी का। और इस साइड से भी कटान शुरू हो गया है, गाछ कुछ देर में जाने ही वाला है। और ये गाछ जाएगा तो जरूर 20-30 मीटर को लेकर जाएगा, यही ना होगा, इसका जड़ सब बहुत दूर तक होता है, यहाँ तक आ जाएगा, कम से कम 50 दूरी बना लेगा। देखिए दोस्तों बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क की वजह से, फिर भी लगातार आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, ये भयानक मंजर दिखा रहे हैं। और ये गाछ देखिए, पीपल का पेड़ है जो इस साइड से भी आप पानी क्रॉस करने लगा, दोनों साइड से पानी क्रॉस करने लगा। अब थोड़ी देर के बाद ये पीपल का पेड़ इस नदी में चला जाएगा। और यही वो रास्ता है जो सुबह सुबह लोग आते थे, पूजा पाठ करते थे। देखिए दोस्तों पीपल का पेड़ पूरी तरह गिर गया और कई लोग फंस गए हैं दोस्तों। अब जब धूप निकला है तो दिख रहा है, देखिए लाइव तस्वीर के माध्यम से इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए लोग वहां हाथ हिलाकर मदद मांग रहे हैं दोस्तों, अब मदद क्या है, देखिए क्या हालत हो गई है। कोशी नदी के कटान ने पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया है, एक पूरा गांव जो था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया, निस्तो नाबूद हो गया। देखिए पूरा टूट गया है दोस्तों, और ये पीपल का पेड़ भी जो था कोशी नदी के कटान में आ गया। उधर दिखाएंगे दोस्तों, पूरी तरह लोग फंसे हैं, न NDRF है न। देखिए दोस्तों इधर भी लोग फंसे हुए हैं, ये पुल था और पुल से वो रास्ता था, वो रास्ता भी कटान में चला गया कोशी के। देखिए तस्वीर, और ये डरावना मंजर देखिए आप, जो आपके लाइव स्क्रीन पर दिख रहा है। न SDRF की टीम आई है दरभंगा जिला के, न कोई आला अधिकारी यहाँ मौजूद है, न SDRF की टीम, न NDRF की टीम। लोग गुहार मंगा कर रहे हैं कि हमें बचा लिया जाए, दूर से गुहार लगा रहे हैं। देखिए उस छत पे लोग हैं, इशारा कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं अभी तक पहुंच रहा है दोस्तों इन सबको बचाने के लिए। एक बड़ा सा बांध हुआ करता था, एक रास्ता हुआ करता था, वो भी चला गया है दोस्तों, और यही पुल भी जाने वाला है। देखिए किस तरह भयावह तस्वीर हो गई है, छत का मकान, पक्के का मकान, ये पूरा गांव जो था भूगोल गांव, ये पूरी तरह बर्बाद हो गया। अगर आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं, देखिए किरतपुर के भूगोल में दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है, और दरभंगा जिला में अगर कोई आला